चालू कारोबारी साल के लिए नहीं बल्कि ये बजट अगले 5 साल का ब्लूप्रिंट भी पेश करेगा। क्या होगा इस बजट में खास, जानते लक्ष्मण रॉय से। बताइए लक्ष्मण जी, ब्लूप्रिंट की क्या डिटेल्स मिली आपको? देखिए, वैसे तो बजट एक कारोबारी साल के लिए होता है, लेकिन मुझे जो अलग अलग सूत्रों से संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक ये बजट लेखा जोखा के लिहाज से तो चालू कारोबारी साल के लिए होगा, लेकिन ये बजट अगले पूरे 5 साल का एक आपको ब्लूप्रिंट पेश करता हुआ दिखेगा। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का एक पहला फुल बजट है, तो यहाँ पे सरकार ये बताने की कोशिश करेगी कि अगले 5 साल तक सरकार के किन किन मोर्चे पर ज़्यादा फोकस रहने वाला है, और इसके लिए 5 साल का एक रोड मैप आपको बजट भाषण में और फिर बजट की बारीकियों में आपको देखने को मिल सकता है। इसमें सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा कि ज़रूरतमंदों तक बुनियादी सुविधाएं कैसे पहुँचाई जाएँ, लोगों की आजीविकाओं कैसे बेहतर किया जाए, तात्कालिक और लॉन्ग टर्म दोनों लिहाज से रोजगार पैदा करने पर खास फोकस होगा। रोजगार पैदा करने वाली इंडस्ट्री को इंसेंटिव दिया जाए, इस तरह के प्रस्तावों पर भी बजट से पहले चर्चा हो चुकी है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के जरिए रोजगार कैसे बढ़ावा दिया जाए, निजी निवेश को कैसे बढ़ावा दिया जाए, ये भी एक महत्वपूर्ण होगा फोकस पॉइंट। और साथ ही साथ इसमें एक और महत्वपूर्ण है कि बार बार जो नीति आयोग की तरफ से रिपोर्ट आई थी कि गरीबी हटाने में काफ़ी हद तक कामयाबी मिली है, तो गरीबी हटाने का एक टारगेट दिया जाना और टारगेट कैसे पूरा करेंगे ये भी आपको इस बजट में महत्वपूर्ण तौर पर देखने को मिलेगा। तो रोजगार, ग्रामीण इलाकों पर फोकस, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर फोकस, और एक और महत्वपूर्ण बात वो है ग्रीन एनर्जी और ग्रीन इकोनॉमी पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करता हुआ बजट आपको दिखेगा, जहाँ पे पर्यावरण का खास ख्याल रखते हुए सरकार किस तरीके से अर्थव्यवस्था में विकास लाएगी, इसका भी एक रोड मैप बजट में आपको देखने को मिल सकता है। तो 23 तारीख को जो बजट वित्त मंत्री पेश करेंगे, मुझे लगता है कि इसके आसपास कई सारे ऐलान आपको देखने को मिलेंगे। शुक्रिया लक्ष्मण जी। और अब सभी की नज़रें वित्त मंत्री पर टिकी हुई है, बजट से उम्मीदों पर। आनंद राठी ने भी एक रिपोर्ट निकाली है, एक रिपोर्ट में और इस रिपोर्ट में क्या क्या खास बातें हैं बता रहे हैं यतीन मोता। जहाँ तक बजट ब्रोकरेज रिपोर्ट का सवाल है, आनंद राठी का मानना यह है कि जो फिस्कल डेफिसिट रहेगा वहाँ काफ़ी सरकार की डिसिप्लिन रहेगी। मौजूदा फाइनेंशियल ईयर यानी FY25 में जो वित्तीय घाटा है वो 5% तक सरकार रखने की कोशिश करेगी। हालांकि अगर आप देखें तो RBI का जो बड़ा डिविडेंड आया है उससे कहीं ना कहीं सरकार ये कोशिश करेगी कि वेलफेयर प्रोग्राम्स, रूरल कंजम्पशन और केपेक्स को बढ़ाया जाए। जहाँ तक कि सेक्टर्स का सवाल है, इंफ्रा, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर सेक्टर्स पर खास सरकार फोकस दे सकती है, और रूरल कंजम्पशन को रिवाइव करने के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग से लेके मनरेगा नरेगा में जो आवंटन है उसको बढ़ा सकती है। जहाँ तक कि बजट स्टॉक आइडियाज़ का सवाल है, आनंद राठी को लगता है कि ऑटो सेक्टर में अशोक लेलैंड और TVS मोटर्स में खरीदारी करनी चाहिए, कैपिटल गुड्स में ABB, सीमेंस, क्यूमिंस उनको पसंद है। जहाँ तक कि सीमेंट सेक्टर का सवाल है, अल्ट्राटेक सीमेंट इनकी टॉप पिक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर्स में NCC, PNC इंफ्रा और HG इंफ्रा जैसे काउंटर्स में इनके काफ़ी अच्छे टारगेट्स दिखाई पड़ रहे हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो आनंद राठी को लगता है कि बजट काफी बैलेंस रहेगा और किसी प्रकार की पॉपुलिस्ट मूव एक्सपेक्ट मत कीजिएगा इस सरकार से। तो चलिए अब बात करते हैं बजट बोनांजा पिक्स की। कंजम्पशन स्टोरी और FMCG स्टोरी आई थिंक अच्छा मूव करेगी यहाँ से, और जिस हिसाब से हमने देखा कि HUL में भी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ऑल टाइम हाई लगा था, डाबर में खरीदारी की सलाह है, ये भी 52 वीक हाई पे चल रहा है, सॉरी HUL में 52 वीक हाई लगा था, डाबर भी 52 वीक हाई पे चल रहा है, और अपना जो 2021 का जोन था जिसका ऑल टाइम हाई था 660 का, हमें लग रहा है वेल प्लेस्ड है उसे ब्रेकआउट देने के लिए। तो खरीदारी की सलाह है डाबर में, 630 का एक स्टॉप लॉस लगाना है, 650 और 660 कि टारगेट्स हमें लगता है बजट सेशंस तक देखने इसमें मिल सकते हैं। टाटा कंज्यूमर, मेरे हिसाब से कंजम्पशन को बूस्ट मिलना चाहिए बजट के बाद, और यहाँ पे बीइंग अ कंज्यूमर नेम, कंजम्पशन नेम, यहाँ पे एक अपस्विंग आना चाहिए। टेक्निकली ये चार्ट पे बहुत बढ़िया तरीके से प्लेस्ड है, यहाँ पे अगर आप डेली चार्ट पे देखें तो ट्रेंड इज पॉजिटिव, साथ में वी हैव अ पुल बैक और पुल बैक के बाद देयर इज अ ट्रेंड रिजम्पशन, तो ये तीनों चीजें कंबाइन होके यहाँ पे उम्मीद बनती है कि यहाँ पे एक अच्छा मूव हमें देखने को मिलना चाहिए। तो टाटा कंज्यूमर को अगर हम लॉन्ग करेंगे, SL लगाएंगे 1140 पे, कैश के लेवल्स है ये, तो ऊपर वाली साइड पे विद इन अ मंथ और टू मेरा टारगेट रहेगा 1300 रुपए का, 1 to 2 मंथ्स का टाइम इसको देना चाहिए।
बजट से पहले सीएनबीसी आवाज पर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि देश के अलग अलग क्षेत्र से जुड़े लोगों की बजट से क्या उम्मीदें हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको बताएंगे देश की तरक्की में बड़ा योगदान करने वाले टैक्स पेयर्स यानी सैलरीड क्लास की वित्त मंत्री से उम्मीदें। देखिए ये स्पेशल बजट चौपाल कि इस बार के बजट में क्या उम्मीद है वित्त मंत्री से। मैं वित्त मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूँ। सेक्शन 24B के तहत जो हाउस न्यू हाउस परचेज है उसके इंटरेस्ट पर जो इंजेम्पशन मिलता है, जो छूट मिलती है, वो केवल 2 लाख तक है। उसको थोड़ा बढ़ाना चाहिए। वो बहुत पुराना छूट है और आप देख रहे हैं कि प्रॉपर्टीज के रेट क्या कहां से कहां पहुंच चुके हैं। लगभग 5 गुना 10 गुना तक हो गए हैं कई शहरों में। तो ऑल ओवर इंडिया में अगर प्रॉपर्टीज के रेट बढ़ रहे हैं, उसको भी छूट को बढ़ाना चाहिए सर। सर आप बताएं आपकी क्या उम्मीद है, क्या डिमांड है एक्चुअली वित्त मंत्री से इस बजट में। वित्त मंत्री से यही डिमांड है हमारी कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में अलग अलग बाइफर्केशन की गई हैं 12 मंथ्स 24 मंथ्स एंड 36 मंथ्स का, उसको यूनिफॉर्म करना चाहिए पहले मेरे हिसाब से। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। मैम आप महिला हैं, काम भी करती हैं, घर भी संभालती हैं और टैक्स भी देती हैं, तो बजट से क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या डिमांड है आपकी। मेरे को मेरा एक सुझाव है कि जो हमारे घर में जो बुजुर्ग हैं, स्पेशली जो इफ यू डोंट टेक ऑल द सीनियर सिटीजन 75 प्लस, तो उनपे जो हम लोग जो बच्चे लोग जो खर्च करते हैं जो मेडिकल, इसी मेडिकल इंश्योरेंस एक बहुत ही लिमिट तक लेता है आदमी, 5-10 लाख तक लेता है, लेकिन कोई उनकी बड़ी ट्रीटमेंट हो जाती है तो जो खर्च हम बच्चे लोग करते हैं उसको एग्जेम्पशन मिलनी चाहिए, सो दैट इवन नोबडी वुड हेजिटेट टू यू सी स्पेंड ऑन टेक केयर ऑफ देयर पेरेंट्स। बिल्कुल, आप बताएं सर आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या डिमांड है आपकी वित्त मंत्री। मेरी फाइनेंस मिनिस्टर से यही मांग है कि बेसिकली 80C में हमारा जो रिजम्पशन है वो काफी पुराना हो गया है, सो हमें कुछ नए उसमें अपडेट्स, या फिर मैं ये बोलूं कि 1.5 लाख रुपए लिमिट बहुत कम है। अगर मैं नॉर्मली 1.5 लाख रुपए करता हूँ इन्वेस्टमेंट और फिर मैं उस पर टैक्स बचाता हूँ उसका 1.5 लाख रुपए का, सो वो कम है, तो मुझे वो कम से कम 3 लाख या 2 लाख 2.5 लाख। एटीसी में जो रिबेट मिलती है उसका दायरा बढ़ाने। मैम आप बताएं, आप वर्किंग है, टैक्स पे करती हैं, और किस तरह की उम्मीदें इस बार बजट से कर रही हैं। मेरी उम्मीद स्टैंडर्ड डिडक्शन से लेके है क्योंकि आई एम इन अ ग्रोथ स्टेज ऑफ माई करियर, तो अगर मेरी सैलरी 5 लाख है तो भी 50,000, और अगर मेरी सैलरी कल को 10 लाख होती है तो भी 50,000, तो मेरे ख्याल से वो जस्टिफाई नहीं है। माई स्टैंडर्ड डिडक्शन शुड इंक्रीज विद माई सैलरी, तो इन प्रपोर्शन टू सैलरी वो कुछ ऐसा हो कि वो सैलरी बढ़े तो थोड़ा स्टैंडर्ड डिडक्शन भी बढ़े, ताकि वहाँ पे थोड़ा सा हेल्प हो पाए। ऑल राइट, आप बताएं, आप भी यंगस्टर हैं और आप टैक्स पे करते हैं, तो क्या उम्मीद कर रहे हैं युवाओं के लिए, साथ साथ जो टैक्स पेयर्स हैं यंग टैक्स पेयर्स, उनके लिए वित्त मंत्री क्या करें। तो आजकल जैसे हम लोग फॉरेन रेमिटेंस भी करते हैं, बाहर कुछ खर्चा कर रहे हैं या कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो अभी जो TCS कलेक्ट हो रहा है उसका रेट बहुत ज्यादा है, तो मैं ये चाहूंगा वित्त मंत्री जी से कि वो रेट को कम किया जाए ताकि हम और फ्रीली और इंकरेज हों बाहर इन्वेस्टमेंट करने के लिए और एक्सपेंसेस करने के लिए। ऑल राइट सर, आप भी बताएं आप क्या चाहते हैं वित्त मंत्री से, किस तरह से जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसे सिंप्लीफाई करें या उसमें बदलाव करें, क्या कुछ मांग है। तो मेरी रिक्वेस्ट है फाइनेंस मिनिस्टर से कि कम से कम जो ओल्ड रिजिम में जो डिडक्शन था उसको नए रिजिम में लाया जाए ताकि नए रिजिम वाले को कुछ बेनिफिट मिले और ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें शामिल हो जाए। अच्छा। ये एक रिक्वेस्ट है कि इसको न्यू रिजीम में आपको नहीं लगता है कि कुछ बेनिफिट टैक्स पेयर को मिल रहा है, ओल्ड रिजीम में जिस तरह के रिबेट्स थी। चार साल हो गए हैं, 4 साल में अभी मात्र 25% लोग ही ऐड हुए हैं, तो इससे ये लग रहा है कि आपको जो बेनिफिट है पुराने वाले में उसको नए रिजीम में शिफ्ट किया जाए ताकि लोगों को ज्यादा बेनिफिट मिल सके। बजट का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है, आइए सब मिलके बजट CNBC आवाज पर देखें। और अब बात करते हैं बाजार की। निफ्टी एक्सपायरी के दिन बाजार का जोश हाई रहा, सेंसेक्स निफ्टी नए शिखर पर बंद हुए हैं। सेंसेक्स 627 पॉइंट चढ़कर 81,343 और निफ्टी 188 पॉइंट चढ़कर 24,801 पर बंद हुआ है। इंट्राडे की बात करें तो सेंसेक्स ने 81,522 का और निफ्टी ने 24,837 का स्तर भी छुआ, जो कि रिकॉर्ड है। हालांकि आज के बाजार में मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में थोड़ा दबाव जरूर देखने को मिला। FMCG, बैंकिंग, ऑटो इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए हैं। PSE मेटल रियल्टी शेयरों पर दबाव रहा। IT कंपनी इन्फोसिस ने अपनी पहली तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी का मुनाफा 7% बढ़कर 6,368 करोड़ रहा, जो कि अनुमान से बेहतर है। डॉलर रेवेन्यू और CC ग्रोथ भी दमदार है।
ज्यादा डिटेल दे रहे हैं यतिन मोता। हाँ बिल्कुल, और इन्फोसिस की रिजल्ट्स की बात करें तो अनुमान से काफ़ी बेहतर रहे हैं। TCS के बाद इन्फोसिस के भी काफ़ी शानदार नतीजे रहे हैं। जहाँ तक कि ओवरऑल रेवेन्यूज़ का सवाल है, यहाँ आपने अनुमान से बेहतर प्रदर्शन देखा। अनुमान था लगभग 38,900 करोड़ रुपए के आसपास के रेवेन्यूज़ का, लेकिन ये लगभग 39,315 करोड़ रुपए के आसपास आया, यानी अनुमान से लगभग 400-500 करोड़ ज़्यादा आपको रेवेन्यू दिखा है। मुनाफे की बात करें तो 6200 करोड़ के मुनाफे का अनुमान के मुकाबले कंपनी ने लगभग 6400 करोड़ के आसपास की नेट प्रॉफिट की घोषणा की है। सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा है एबिट मार्जिन फ्रंट पे, जो लगभग 20.5% के आसपास एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन 21% से थोड़ा बेहतर परफॉर्मेंस इन्फोसिस ने इस क्वार्टर में किया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रही कि जो इनका गाइडेंस है उसको बढ़ा दिया गया है। जहाँ तक कि रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस है, जो पिछले क्वार्टर 1-3% की रेंज कंपनी एक्सपेक्ट कर रही थी, अब इसको बढ़ा के 2-4% कर दिया, यानी दोनों बैंड्स में आपको सुधार आता हुआ दिखा है। हालांकि मार्जिन्स की बात करें तो रेवेन्यू गाइडेंस है उसके मुकाबले मार्जिन का गाइडेंस मेंटेन रखा गया है। 20-22% एबिट मार्जिन्स की जो गाइडेंस है वो इन्फोसिस ने बरकरार रखी है। हालांकि डील TCV अनुमान था $4 बिलियन का, उसके सामने $100 मिलियन बेहतर प्रदर्शन, यानी $4.1 बिलियन के आसपास TCV आई है, लेकिन जो एट्रिशन रेट है वो थोड़ा बिगड़ा हुआ है। लेकिन ओवरऑल अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो अनुमान से बेहतर परफॉर्मेंस और प्रदर्शन इन्फोसिस का रहा है Q1 में। और नतीजों के बाद कंपनी ने कहा है कि उनकी पहली तिमाही के नतीजे अच्छे रहे हैं। The way we see what's going on in the market and our guidance, first, we had a strong performance in Q1 on volumes as well as the point that we made on financial services in the US. Second, we had a very strong performance on large deals in Q1, which gives us more visibility into this financial year. And third, we completed the InTech acquisition, which also helps us in this guidance. और कंपनी के CFO ने कहा है कि ग्रोथ पर बहुत कुछ निर्भर करता है, लेकिन कंपनी अभी बड़ी संख्या में फ्रेशर्स को हायर करने की सोच रही है। Last multiple quarters, we have moved to the agile hiring base. You know, that basically means we hire freshers both on from the campus, off the campus. This quarter we had a 2,000 person net decline, which is lower than the previous quarters. Our utilization is already at 85%, so we have little headroom now left. So as we start seeing growth, we will look at hiring. We are looking at hiring 15,000 to 20,000 freshers this year, depending on how we see the growth. नीट UG परीक्षा मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा की सुचिता पर फिर सवाल उठाए। CJI ने कहा कि पेपर लीक हुआ या नहीं, आप हमें इसका कोई ठोस आधार दें। इस खबर पर डिटेल के साथ असीम मनजंदा जुड़ गए हैं। बताइए असीम, आज कोर्ट में क्या क्या हुआ? नीट UG टेस्ट में हुई गड़बड़ी की मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। आज जब इस मामले की सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर एग्जाम की सैंक्टिटी पर सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा केंद्र सरकार से कि आप बताइए पेपर कब लीक हुआ, कहां लीक हुआ और कितने लोगों को इसका फायदा हुआ। तो केंद्र सरकार ने जवाब दिया कि हमें लगता है कि पेपर हजारीबाग में 8:02 से लेकर के 9:23 तक हुआ और 10:15 ये परीक्षा शुरू हो गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा कि क्या आपको लगता है कि 45 मिनट के अंदर 180 सवालों को सॉल्व किया जा सकता है, हमें लगता है कि ये फारफेच है। तो केंद्र सरकार ने जवाब दिया कि करीबन 7 सॉल्वर्स को ये इस मामले में लगाया गया था और उनको पेपर सॉल्व करने के लिए कहा गया था। सभी को 25-25 क्वेश्चंस दिए गए थे और ये मामला उसको बाद में ही उस पेपर को पटना पर व्हाट्सएप किया गया और वहां पर भी ये प्रक्रिया शुरू की गई। हमें केंद्र सरकार ने कहा कि हमें लगता है कि इससे 150 से ज्यादा छात्रों को फायदा नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हमें नहीं लगता है कि अगर ये सीमित है तो ऐसे में परीक्षा को दोबारा कराना उचित नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस मामले में कोई भी डायरेक्शन नहीं दिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि NTA शनिवार तक अपने सारे नतीजों को घोषित करे। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट अभी सोमवार को करेगा, लेकिन जो केंद्र सरकार है उसने संकेत दिए हैं कि वो 24 जुलाई से दोबारा से काउंसलिंग की शुरुआत करने वाला, लेकिन ठीक उससे पहले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा। शुक्रिया असीम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई।
इसमें जम्मू कश्मीर के हालात पर लंबी चर्चा हुई। साथ ही कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले भी लिए गए। पूरी जानकारी दे रहे हैं लक्ष्मण रॉय। देखिए, आज जो कैबिनेट की बैठक हुई वो दो लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हुई। एक तो कैबिनेट की बैठक हुई वो तो काफी कम देर चली, लेकिन कैबिनेट की बैठक के बाद सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई। तो सबसे पहले बताऊं, कैबिनेट की बैठक में कोल मिनिस्ट्री से जुड़े हुए एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, जहां पर यह कहा गया कि खासतौर से कि जिन सरकारी कंपनियों के पास अपना कोयला का ब्लॉक है, उस कोयले ब्लॉक के बगल वाले ब्लॉक में या फिर वहां पे जो बगल में जमीन है वहां पर उसकी माइनिंग का अधिकार उनको दे दिया जाएगा, उसकी लीज करने का अधिकार उनको दे दिया जाएगा। इससे कोल माइनिंग ज्यादा तेज हो पाएगी और सरकारी कंपनियों के पास जो कोल ब्लॉक है उसके बगल में जमीन है उसका बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा। दूसरा, डिफेंस सेक्टर से जुड़े हुए 3 से 4 प्रस्ताव थे जिसको यहां मंजूरी मिली है। चूंकि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का हिस्सा होता है तो इसको सरकार सार्वजनिक नहीं करती है, चूंकि संवेदनशील प्रस्ताव होते हैं। लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि इस पूरी बैठक में, कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद जब सीसीएस की बैठक शुरू हुई तो काफी देर तक बैठक हुई सीसीएस की, और इसमें समझा जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर में लगातार हो रहे आतंकी हमले की यहां पे समीक्षा की है, और उसमें रक्षा मंत्री भी थे, गृह मंत्री अमित शाह भी थे, और वहां पे चर्चा की कि आखिर क्यों ऐसे हो रहे हैं, उसको रोकने के लिए क्या कदम उठाया जा रहा है और आगे चलकर और उन कदम को कैसे बेहतर किया जा सकता है, इस पे एक लंबी चर्चा हुई है। तो मुझे लगता है कि आज की कैबिनेट और सीसीएस की बैठक में जम्मू कश्मीर एक महत्वपूर्ण मुद्दा था और केंद्रीय बिंदु था चर्चा का। इधर यूपी बीजेपी में खींचतान चल रही है। सीएम योगी की बैठक में दोनों डिप्टी सीएम नहीं पहुंचे, इसको लेकर कई चर्चाएं गर्म है। वहीं यूपी बीजेपी अध्यक्ष ने हार के कारणों की समीक्षा पर अपनी रिपोर्ट पीएम मोदी को सौंपी है। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने एक टीम बनाई है जिसमें दोनों डिप्टी सीएम नहीं है। सहयोगी पायल मेहता बता रही हैं यूपी की सियासत में क्या चल रहा है। देखिए, अगर जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात है, हम सब जानते हैं कि हाल ही में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, ये बात हर किसी को पता है। पर ये क्यों अच्छे नहीं था, इसी की रिपोर्ट दी गई है कल पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को। जो भूपेंद्र चौधरी हैं, जो मुखिया हैं स्टेट के, उन्होंने एक रिपोर्ट सौंपी जिसमें 15 पेज की रिपोर्ट है, जिसमें ये भी आकलन किए गए सीट बाय सीट के बीजेपी की परसेंटेज कितनी थी, उसके बाद आगे क्या हुआ और क्यों कम हुआ परसेंटेज। तो जो उनकी फाइंडिंग्स थी उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक बात ये कहा गया कि पेपर स्कैम को कंट्रोल नहीं कर पाई राज्य सरकार, और इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स है उसको भी नहीं दे पाई। ये सबसे बड़े बात है जो इनके खिलाफ गई और जिससे लोग नाराज हो गए। इसके अलावा भी पार्टी कार्यकर्ता को लगा कि हमारी कोई जरूरत नहीं, हमारी कोई सुनवाई नहीं है, कोई हमारी बात का कोई मान नहीं रखते, ये सब कहते हुए भी लोगों ने, पार्टी एक तरह से सुस्त हो गई। इसके अलावा जिस तरह से शुरुआत में ही टिकट घोषित कर दिए गए थे, मानिए अगर आपकी शुरुआत में टिकट घोषित कर दी गई और चुनाव क्योंकि 2 महीने तक चले तो बाय द टाइम आप 7वें फेज तक पहुंचे, तब तक आप थक के हार चूर हो चुके थे। तो जो आपस में डिफरेंसेस है, इसके अलावा ये जो एक क्रूशियल फैक्टर है, चाहे वो कास्ट का फैक्टर हो, चाहे हमने बात की हो कि विपक्ष ने एक मुद्दा खड़ा किया था कि संविधान बदल देंगे ये लोग, ये भी लोगों तक बात पहुंच गई और इसका काउंटर बीजेपी नहीं कर पाई। कई सारे के मुद्दे हैं। हालांकि अभी जो सीरीज ऑफ मीटिंग्स हो रही है वो खत्म नहीं हुई है। इसके बाद योगी आदित्यनाथ को भी बुलाया जाएगा दिल्ली, ब्रिजेश पाठक को भी बुलाया जाएगा दिल्ली, उनसे भी चर्चा की जाएगी कि क्या किया जाए, क्योंकि आने वाले समय में 10 बाई इलेक्शन होने हैं असेंबली के। उसके अलावा 2027 में अगला विधानसभा का चुनाव, जिसमें बीजेपी चाहेगी कि उनका शानदार प्रदर्शन जो 2022 में होता वापस हो जाए। पर इसके अलावा ये सभी को पता है कि योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में खींचतान चलती रहती है, तो जग जाहिर बात है। पर इसको किस तरह से पार्टी संभालेगी ये सबसे बड़ा फोकस होगा, क्योंकि आने वाले समय में पार्टी ये नहीं चाहती कि खींचतान के बीच में उनका जो पार्टी का पूरा एजेंडा है वो डीरेल हो जाए। यूपी में क्या योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को खतरा है और चारों तरफ से घिर रहे योगी अब क्या करेंगे, आवाज अड्डा में आज इसी पर बड़ी चर्चा होगी शाम 7:57 पर। इधर यूपी बीजेपी में खींचतान पर विपक्ष भी मजे ले रहा है, समाजवादी पार्टी इसे तूल दे रही है। अखिलेश यादव ने तो एक पोस्ट लिखकर सनसनी मचा दी है। उन्होंने मॉनसून ऑफर की बात करते हुए लिखा है कि 100 लाओ और सरकार बनाओ। यूपी में विधानसभा के उपचुनाव भी होने वाले हैं और कांग्रेस समाजवादी पार्टी मिलकर उपचुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील यादव ने दावा किया है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक है और आने वाले चुनाव में दोनों पार्टियां मिलकर बीजेपी से मुकाबला करेंगी।
अक्टूबर में हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं और आम आदमी पार्टी राज्य में अकेले चुनाव लड़ेगी। सभी 90 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चंडीगढ़ में इसकी घोषणा की। तो आम आदमी पार्टी ने फैसला किया है कि आने वाले दिनों में हरियाणा में इलेक्शन आ रही है, तो आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से हरियाणा की इलेक्शन लड़ेगी। भी हम हरियाणा में भी बदलाव चाहते हैं, क्योंकि हरियाणा ने हर एक पार्टी को टाइम दे दिया, हर एक पार्टी को, नॉट ओनली बीजेपी एंड कांग्रेस, लोकल पार्टी भी, क्षेत्रीय पार्टियों को भी टाइम दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि केजरीवाल साहब हरियाणा से बिलोंग करते हैं। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 12 नक्सली मारे गए हैं। नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुआ है। इसमें AK-47 समेत ऑटोमेटिक हथियार भी शामिल है। गढ़चिरौली के बंडोली गांव के पास मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 जवानों के घायल होने की खबर है। उनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि गढ़चिरौली के पास कुल 12 से 15 नक्सली मौजूद है। इसके बाद बुधवार को ऑपरेशन शुरू किया गया था। ये 6 घंटों तक चला। ट्रेनी IAS पूजा खेड़कर विवादों में घिरती चली जा रही है। पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मनोरमा खेड़कर एक वीडियो में किसान को बंदूक से धमकाते हुए दिखाई दे रही थी। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी थी और आज पुलिस ने पुणे के होटल से मनोरमा खेड़कर को हिरासत में लिया है। पूजा खेड़कर के पिता दिलीप खेड़कर फरार है। पिता पर किसानों की जमीन हड़पने का आरोप है। फिलहाल पुलिस पूजा के पिता की तलाश में जुटी है। ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सभी राज्यों से ऊर्जा क्षेत्र में फ्रीबीज देने के बजाय अपनी क्षमता सुधारने को कहा है। दिल्ली में एक पुस्तक विमोचन के मौके पर बोलते हुए ऊर्जा मंत्री ने कहा कि राज्यों को अपनी वितरण कंपनियों की स्थिति सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। आज बिजली का जिस प्रकार का क्षेत्र एक ऐसा हो गया महत्वपूर्ण कि उस क्षेत्र को अगर आत्मनिर्भर नहीं बनाया, उसको पैरों पर नहीं खड़ा किया, तो उसका जो असर सीधा सीधा जनता पर भी जाता है, प्रदेश सरकारों को भी जाता है। तो प्रदेश सरकारों को यदि अपने पैरों पर खड़े होना, अपने अस्तित्व को ठीक से आत्मनिर्भर बनाना है, तो इसमें सुधार लाना बहुत आवश्यक है। और जनता को, क्योंकि एक पावर इज ए कम्युनिटी, सेलेबल कम्युनिटी है, इसका कोई उपयोग करता है तो उतने पैसे भी उनसे लेने चाहिए। ये फ्री बीज का जो सिस्टम शुरू हो गया है, ये कोई बहुत अच्छा नहीं है। हमने अपनी कुशलता को उसमें से बढ़ा करके, उसमें अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा करके, और तब जो है इन सारी व्यवस्थाओं को ठीक किया है। देश के कई हिस्सों में बारिश से बाढ़ के हालात है। नदियां उफान पर हैं। हम आपको दिखा रहे हैं 5 तस्वीरें। पहली तस्वीर मध्य प्रदेश के हरदा से है, जहां उफनती नदी को पार करने की कोशिश में एक युवक मोटरसाइकिल के साथ सैलाब में बह गया। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने काफ़ी कोशिशों के बाद युवक को मोटरसाइकिल को बाहर निकाला। सहारनपुर में शाकंभरी देवी मंदिर के दर्शन करके लौट रहे श्रद्धालु भी बाढ़ की चपेट में आ गए। हालांकि वहां मौजूद पुलिस ने श्रद्धालुओं की मदद की और उन्हें वहां से सुरक्षित निकाल लिया। तीसरी तस्वीर हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की है, जहां लैंडस्लाइड की वजह से हाईवे बंद हो गया है। गुजरात के बनासकांठा में बारिश के बाद तबाही का मंजर सामने आया है, जहां हाईवे के किनारे मिट्टी बह जाने की वजह से गाड़ियां फंसी हुई नजर आई। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में भी बाढ़ की वजह से गांव के घरों में पानी घुस आया है। इधर रील बनाने के चक्कर में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की मौत हो गई। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर अनवी कामदार दोस्तों के साथ घूमने आई थी। वहीं मानगांव में कुंभे झरने के पास रील बनाते वक्त अनवी का पैर फिसल गया और वो 300 फीट गहरी खाई में जा गिरी। 27 साल की अनवी कामदार चार्टर्ड अकाउंटेंट और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी। अनवी के दोस्तों ने तुरंत घटना की जानकारी पुलिस को दी। इसके बाद अनवी को खाई से निकालकर सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के गोंडा में चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो गई है। हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है, लगभग 30 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। घायलों को नज़दीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। रेलवे के कार्यकारी निदेशक के मुताबिक दुर्घटना के पहले चंडीगढ़ डिब्रूगढ़
एक्सप्रेस के लोको पायलट धमाके की आवाज़ सुनी थी। हालांकि रेलवे की तरफ से धमाके को लेकर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। रेल मंत्रालय ने मृतकों के परिवारों और घायलों के लिए मुआवजे का ऐलान कर दिया है। मृतकों के परिवार को 10 लाख, गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख और मामूली रूप से घायलों को 50,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कोविड-19 से संक्रमित हो गए हैं। हालांकि उनकी सेहत ठीक है। व्हाइट हाउस ने लिखा है कि बाइडेन को हल्के लक्षण हैं। बाइडेन ने खुद लिखा है कि वो अच्छा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने दुआओं के लिए लोगों को धन्यवाद दिया है। बाइडेन को कोविड का संक्रमण ऐसे वक्त पर हुआ है जब उन पर डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से ही दबाव बढ़ रहा है कि राष्ट्रपति की रेस से वो बाहर हो जाएं और किसी और को मौका दें। कोविड संक्रमित होने के बाद बाइडेन पर ये दबाव और बढ़ सकता है। इससे पहले भी 2 बार बाइडेन कोविड की चपेट में आ चुके हैं। और रॉयल इनफील्ड ने अपनी नई रोडस्टर और मच अवेटेड बाइक गुरिल्ला 450 को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। बाइक को 3 वेरिएंट और 5 कलर ऑप्शन में उतारा गया है। नई गुरिल्ला 450 में 452cc का लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन है। ये इंजन 8000 RPM पर 39.4 bhp और 5500 RPM पर 40 Nm का आउटपुट देता है। इस बाइक का मुकाबला ट्रायम्फ स्पीड 400 और हार्ले डेविडसन X440 से होगा। रॉयल इनफील्ड गोरिल्ला 450 भारत में 1 अगस्त से शोरूम में उपलब्ध होगी। रॉयल इनफील्ड गोरिल्ला 450 की शुरुआती कीमत 2,39,000 रुपये है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए और जुड़े रहिए CNBC आवाज़ से हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए।